हेलो फ्रेंड्स, रंजीताज किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और झटपट बनाकर हम इसे तैयार कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले हम एक कप चना दाल को 2-3 पानी से धोकर फिर इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक कुकर में डालेंगे दाल, 2-3 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची को खोलकर डालेंगे, 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे, 2-3 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन को काट कर डालेंगे, एकदम बारीक काटेंगे इसे, थोड़ी सी अदरक, 2 छोटे टमाटर को काट कर डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला और फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। 1 कप चना दाल के लिए हम 5 कप पानी डालेंगे। मिला लेते हैं इसे। अब हम इसमें डालेंगे सरसों तेल, बारीक कटा हुआ धनिया, इन सबको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। अब हम कुकर बंद करके 5 से 6 सीटी लगा लेंगे और थोड़ी देर लो फ्लेम पर हम दाल को गलने देंगे। खूब अच्छी तरह से दाल को हम गला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए और बनाने में भी बहुत ईजी है, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और अगर यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।